नमस्कार मित्रों, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पार्ट सिक्स जो सिलेबस का चैप्टर हमने अपलोड किया है उस पार्ट सिक्स को आपने पढ़ लिया हो तो पार्ट सिक्स का क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत है। निवेदन करूंगा कि लाइक जरूर कर दें। तो लीजिए, प्रस्तुत है पहला प्रश्न। निर्धारित गामक लक्ष्यों को पूरा करना क्या कहलाता है? निर्धारित गामक लक्ष्यों को पूरा करना क्या कहलाता है? स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स एक्विजिशन या स्पोर्ट्स ऑटोमाइजेशन? स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स एक्विजिशन या स्पोर्ट्स ऑटोमाइजेशन? प्रश्न संख्या दो। पैरी ओब्रायन किस खेल की तकनीक है? पैरी ओब्रायन किस खेल की तकनीक है? डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप या ट्रिपल जंप? डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप। अगला प्रश्न, हिच किक किस खेल की तकनीक है? हिच किक किस खेल की तकनीक है? डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप या जेवलियन थ्रो? डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप या जेवलियन थ्रो। अगला प्रश्न, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्राथमिक आधार क्या होता है? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्राथमिक आधार क्या होता है? दैहिक कारक, तकनीक, मनोवैज्ञानिक सोच या प्रदर्शन? दैहिक कारक, तकनीक, मनोवैज्ञानिक सोच या प्रदर्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या पांच, एनारोबिक कार्य प्रणाली का आधार है? एनारोबिक कार्य प्रणाली का आधार है दैहिक कारक, ग्लाइकोजन स्तर, मनोवैज्ञानिक सोच या प्रदर्शन? दैहिक कारक, ग्लाइकोजन स्तर, मनोवैज्ञानिक सोच या प्रदर्शन। अगला प्रश्न, एरोबिक कार्य प्रणाली का आधार है? एरोबिक कार्य प्रणाली का आधार है दैहिक कारक, वसा स्तर, मनोवैज्ञानिक सोच या प्रदर्शन? दैहिक कारक, वसा स्तर, मनोवैज्ञानिक सोच या प्रदर्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अनुवंशिक नहीं है? निम्न में से कौन अनुवंशिक नहीं है? रूप, रंग, चाल या सोच? रूप, रंग, चाल या सोच। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आठ, निम्न में से मैराथन रनर में कौन सा घटक सर्वाधिक प्रशिक्षण योग्य है? यदि मैराथन रनर को हम ट्रेनिंग देंगे तो किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इनमें से? शारीरिक, तकनीकी, सामरिक या मनोवैज्ञानिक घटक पर? शारीरिक, तकनीकी, सामरिक या मनोवैज्ञानिक? फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल या साइकोलॉजिकल? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नौ, निम्न में से जिम्नास्ट में कौन सा घटक सर्वाधिक प्रशिक्षण योग्य है? शारीरिक, तकनीकी, ए या बे, दोनों या मनोवैज्ञानिक? जिम्नास्ट की बात कर रहा है, जिम्नास्ट को जब ट्रेनिंग देंगे तो कौन से घटक के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे? शारीरिक, तकनीकी, ए या बे, दोनों और मनोवैज्ञानिक? अगला प्रश्न, निम्न में से बास्केटबॉल खिलाड़ी में कौन सा घटक सर्वाधिक प्रशिक्षण योग्य है? बास्केटबॉल खेल की बात कर रहा है, शारीरिक, तकनीकी, सामरिक या मनोवैज्ञानिक? तो मित्रों, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसकी आंसर की शाम को अपलोड कर देंगे। आशा और विश्वास करता हूं कि हमारे प्रयास से आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भरत सिंह गुर्जर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।